Hi, this is Neeraj Garga and you are watching Polynomials. Factorize each of the following. 27y cube plus 125z cube. Factors banane hain. So, identity sochte hain kya hogi. To identity hamare paas ek x cube plus y cube ki identity hoti thi. X cube plus y cube that is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. Ye identity hum yahan par lagane wale hain. So, 27y cube ko hum क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं ना 3y का होल क्यूब होता है ना 3y को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27y क्यूब आ जाता है प्लस 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है 5z क्यूब इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी मतलब समझ में आ गया x क्या है हमारे पास 5y और y क्या है हमारे पास 5z क्लियर चलो आइडेंटिटी में पुट करते हैं तो ये आ गया हमारा 3y plus 5z और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा 3y का स्क्वायर माइनस 3y और y है हमारे पास 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर इतनी बात क्लियर हो गई अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे 3y plus 5z और इसमें 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z मतलब कि 15yz प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25z स्क्वायर ये हमारे बन गए इसके फैक्टर्स 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब के फैक्टर्स क्या बन गए ये और यही हो गया हमारा आंसर होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं कुछ अपने आप भी करो ठीक है तो ये हो गया 8a क्यूब प्लस 216b क्यूब ये तुम्हारा हो गया होमवर्क ठीक है इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो ऑल द बेस्ट